गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा ये फोर्थ चैप्टर है, द आंट एंड द ग्रास ऊपर। आंट आप जानते हैं चींटी होती है, और द ग्रास ऊपर टिड्डा होता है। तो ये राइटर बता रहा है कि जब मैं छोटा था, मुझे छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई गई, दिल से याद करवाई गई। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये है कि एक टिड्डा जो होता है वो मतलब काम कम करता है, और जो चींटी होती है वो कंटिन्यू काम करती है। ऐसे ही जब गर्मी होती है तो टिड्डा क्या करता है, घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है। और चींटी क्या करती है, चींटी अपना भोजन एकत्रित करती है, यानी इकट्ठा करती है सर्दियों के लिए। तो ऐसे ही गर्मियों का सीज़न गुजर गया और चींटी कहती रही कि तुम भी अपना भोजन इकट्ठा कर लो, अपने लिए कुछ रख लो। लेकिन टिड्डे ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपने अपने मस्ती में रहा। और जब सर्दी आई तो टिड्डा आता है चींटी के पास, क्योंकि चींटी ने तो पूरे साल वर्क किया, सॉरी पूरी गर्मी वर्क किया था और पूरी बरसात वर्क किया था उसने अपनी सर्दियों के लिए। तो चींटी ने अपना खूब इकट्ठा कर लिया। तो फिर टिड्डा आया उसके पास के तुम्हारे पास खाने के लिए, जब टिड्डे के पास तो कुछ था नहीं सर्दियों में। तो टिड्डा आया तो वो कहने लगी चींटी कि तुमने पूरी गर्मियों क्या किया है। तो टिड्डा कहता है कि मैंने आराम किया है, मैंने खूब गाया है, खूब मतलब 24 घंटे में गाता रहा, दिन रात मैंने गाया। तो चींटी बोली ठीक है, बहुत अच्छा किया, अब तुम पूरी जब तक सर्दी जाए तुम ऐसे ही गाते रहो। तो यहाँ पर बताने का जो यहाँ पर मोरल है वो ये है कि जो मतलब काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जो आलसी होते हैं और मेहनत नहीं करते, घूमते फिरते हैं, उनके लिए यही पनिशमेंट होना चाहिए कि वह सर्दियों में भूखा रहेगा और गर्मियों में अपना खूब उसने फ्री टाइम गुजारा। और चींटी अब सर्दियों में भी ऐश करेगी। बट यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसमें जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि जो काम करते हैं वही खुश रहते हैं, जो काम नहीं करते वो खुश नहीं रहते। तो वो बताते हैं कि उनका जो एक फ्रेंड था, उसको उन्होंने देखा कि वो रेस्टोरेंट पर लंच ले रहा था। तो उसने उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। तो उसके पास गया और पूछा कि तुम कैसे हो। तो उसने कहा, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, तो उसने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कैसे हो। तो कहता है मैं सही हूँ, मैं बस सही हूँ, ज़्यादा सही नहीं हूँ, मतलब कहता है ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो टॉम कहता है, वो कहता है जो राइटर होता है वो कहता है कि अच्छा तुम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम शायद फिर से टॉम की वजह से दुखी हो। टॉम उसका छोटा भाई था, कि टॉम की वजह से दुखी हो। कहता है हाँ, ये वजह टॉम की ही है। तो अब वो बताता है कि जब टॉम जो था छोटा था तो वो बहुत अच्छे से काम भी किया करता था, और उसकी फैमिली थी, एक बीवी थी, दो बच्चे थे, ऑफिस भी जाया करता था। लेकिन अब वो कुछ नहीं करता है, मतलब ये कहने का ये है कि हर फैमिली में, वो कहता है जब तुम उससे इतने परेशान हो तो उसे छोड़ के नहीं देते। कि मैं समझता हूँ कि हर फैमिली में एक ना एक बंदा निठल्ला होता है जो काम नहीं करता है, ऐसा होता है। तो फिर वो स्टोरी बताता है कि जब छोटा था वो, उसने 20 साल बहुत अच्छे से गुजारे, और शादी भी की और उसके दो बच्चे भी थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसको यह एहसास हो गया कि उसको उसे ज़िंदगी आराम से गुजारनी चाहिए, बीवी बच्चे के संग नहीं गुजारनी चाहिए। उसने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया, ऑफिस को भी छोड़ दिया, और जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। उसकी उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपनी बीवी बच्चे ऑफिस सब छोड़ दिया। अब उसके पास जो पैसे थे वो कुछ ही टाइम तो सही से रह सकता था वो, फिर उसके वो खाली हो गया। तो उसने अपने भाई से लेने शुरू किए, जो जॉर्ज था उसका भाई, वो जो उसका राइटर का जो फ्रेंड है वो जॉर्ज है। तो जो जॉर्ज था उसने उससे पैसे लेने शुरू किए, उसने उसको पैसे दिए, बट कहाँ तक देता है, भाई भी कम ही देगा। उनका एक जो उनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा जो मतलब ईमानदार थी, फेमस थी, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल थी, सम्मानित फैमिली थी। तो उसने कुछ पैसे दिए, तो उस पैसों से वो क्या करता था, वो रख कर नहीं गुजारता था कि कुछ काम शुरू कर ले, ऐसा नहीं करता था। वो उन पैसों को ऐश उड़ाया करता था, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिया करता था, गाड़ी ले लिया करता था, और वो उन पैसों से ऐश उड़ा दिया करता था एकदम। ये नहीं कि अगर किसी ने दिया है तो उसको संभाल कर रखे। तब क्या होता है कि जॉर्ज ने देने को मना कर दिया, तो वो जाता है, वो रेस्टोरेंट पर काम करता है, और काम करता है, कभी किसी के मतलब बर्तन वर्तन धोता है, टैक्सी चलाता है। तो अब जब कोई फैमिली की बहुत ज़्यादा नाम ग्रामीण फैमिली होती है
तो उसको उस चीज़ से शर्माने लगती है। तो जॉर्ज को ये देखकर बहुत ज़्यादा शर्माई। जॉर्ज ने उसको मना किया कि हमारा फैमिली का नाम डूब रहा है। तो कहता है अगर तुम्हें नाम डूबा हुआ लग रहा है तो तुम पैसे दे दो, कुछ 100 पाउंड्स दे दो। तो वो जॉर्ज उसको फिर दे देता है। फिर जॉर्ज को वो चीज़ याद आती है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक आदमी था उसने उससे झूठ बोला था, तो उसने उसको चीट किया था जिसका नाम क्रॉन से था। तो वो पुलिस में जा रहा था उसके टॉम की शिकायत करने, और वो पुलिस में चला जाता तो क्या होता, उसको सज़ा मिलती ही मिलती टॉम को, और सज़ा मिलती तो फिर परिवार का नाम डूबता। तो उसने उसको 500 पाउंड देकर लफा दफा किया उस मामले का। और कुछ ही समय बाद उसको क्या पता चला कि जो क्रॉन से था वो जॉर्ज के साथ, सॉरी टॉम के साथ घूमने चला गया, और दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया। यानी कि उन्होंने वहाँ पर भी उसको चीट कर दिया था। हर जगह वो चीट करता था, हर एक इंसान को, जो भी इंसान होता था उसकी बातों पर यकीन कर लिया करता था, और बहुत ज़्यादा कभी उधार लेता था कभी कुछ करता था। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सुकून से लाइफ गुजार रहा। फिर क्या होता है कि वो मतलब टॉम जो था वो कितने साल का था, 46 साल का था, और 46 साल का होने के बाद वो 35 साल का दिखता था, और जो ये जॉर्ज था वो उससे सिर्फ 1 साल बड़ा था, वो 47 साल का था, और 47 साल के होने के बाद वो 60 साल का दिखता था। क्योंकि जॉर्ज जो था वो काम करने वाला था, बहुत अच्छे से काम करता था, अपनी ड्यूटी को निभाता था, और उसकी जो 4 बेटियां थी उसको बहुत अच्छे से अच्छा पिता साबित होता हुआ था, और अपनी पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा एक हस्बैंड साबित हुआ था, और वो सब काम बहुत अच्छे से किया करता था, और अपनी ड्यूटी को भी पंचुअल भी था। और वो सोचता था, उसने जो धन इकट्ठा किया था वो सोचता था कि वो 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेगा, और वो अपने बुढ़ापा आराम से बिताएगा। वो अपनी इनकम का 1/3 भाग बचा रहा था। बट वो टॉम जो था वो बहुत ज़्यादा ऐश से गुजार रहा था, ऐसी उसकी लाइफ गुजरती जा रही थी, और वो टॉम की वजह से कंटिन्यू परेशान होता था। लेकिन जो उसकी सहानुभूति थी, जो राइटर उसकी सहानुभूति जो थी, वो टॉम के साथ ही चल रही थी, जबकि वो जॉर्ज का फ्रेंड था, जॉर्ज को देख रहा था, जॉर्ज पर उसका दिल दुखा है थोड़ा सा यहाँ पर। फिर भी वो आगे सुनता है कि क्या काम करते हैं, लास्ट में क्या हुआ। जब वो जो राइटर है वो सोच रहा है कि टॉम अब पुलिस में चला गया होगा, कि अब उसको पुलिस के हवाले, शायद वो पुलिस के हवाले हो गया होगा इन्हीं अपनी हरकतों से, और पुलिस में होगा। बट क्या होता है, वो आगे पूछता है तो जॉर्ज बताता है कि उसने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली, जो कुछ ही हफ्तों की मेहमान थी उससे शादी कर ली, यहाँ तक कि मतलब उसकी माँ की उम्र की औरत से उसने शादी की, और वो कुछ ही हफ्तों बाद वो मर गई। और उसने मरने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा धन छोड़ा, एक घर लंदन में छोड़ा, एक गांव में छोड़ा, और करोड़ों से रुपये छोड़े, और एक यार्ड छोड़ा, कितने 5 लाख पाउंड्स 5 लाख पाउंड्स छोड़े, और एक यार्ड छोड़ा, एक घर छोड़ा इन लंदन में, और एक घर छोड़ा कंट्री में, अपने देश में। इस बात से जो जॉर्ज का फ्रेंड था उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा, जॉर्ज के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उस गुस्से को देखकर जो वो राइटर है वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता है, और वो हंसता हंसता दूर हो जाता है अपनी चेयर पर, और यहाँ तक कि फर्श पर गिरने के काबिल हो जाता है। तो इस बात से जॉर्ज उसको माफ़ नहीं कर पाता है अपने दोस्त को, जबकि टॉम उसको अपने जो अच्छे से डिनर पर, टॉम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, तो टॉम अपने अच्छे से डिनर पर मे फेयर में उसको बुलाता है और उसके साथ डिनर करता है। यानी कि देख यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टोरी में खैर गलत हुआ, क्योंकि करने वालों की हमेशा जीत होती है, यहाँ पर निठल्लों की जीत दिखाई गई है। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इसका वर्क कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।